500 साल बाद बन रहा है दुर्लभ महाशिव संयोग। 11 अगस्त को रक्षाबंधन, गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज़, करोड़पति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन माह के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा काल का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी दो दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए इस पर बहुत ही ज़्यादा उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाना चाहिए, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 12 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, और साथ ही ये भी बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन गाय को ऐसी कौन सी एक चीज़ खिला दें कि करोड़पति भी करोड़पति बन जाएंगे, और साथ ही आपको सही तारीख क्या है, 11 अगस्त या फिर 12 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी सही समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं, और उससे उसकी लंबी उम्र के लिए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं, और भाई सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी बांधना त्यौहार मनाना अशुभ माना गया है, इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी, और एक वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा काल में शनिदेव, चूंकि ये भद्रा काल शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि जो भी भद्रा के समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र पहन करके, और फिर शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने इस दिन। वस्त्र पहनने के बाद आप मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के पहले आप पूजा की थाली सजा लें और रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रख लें, और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें, जिसके बाद आप अपनी भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजन की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें, इसके बाद अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं। बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद आप भगवान गणेश जी को राखी अवश्य बांधें, और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और उन्हें अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें, और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई पे राखी बांधें, और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई की अपनी बहनों और रक्षा का वचन दें, और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 अगस्त 2022 की सुबह 10:38 पर हो रही है, और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 अगस्त 2022 को सुबह 7:05 पर होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि उदया तिथि में 12 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन 11 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसीलिए 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना बेहद ही शुभ रहेगा, और इस दिन रवि योग में राखी बांधने का शुभ समय होगा। सुबह 5:48 से लेकर सुबह 5:53 तक। दोस्तों,
जबकि शाम 6:53 से लेकर रात्रि 8:20 तक रहेगा अमृत सिद्धि योग, और 11 अगस्त को आयुष्मान भी रहेगा जो कि दोपहर 3:32 तक रहेगा, और इसके बाद सौभाग्य योग लगेगा जो 11 अगस्त की दोपहर को 3:32 से शुरू हो जाएगा और 12 अगस्त की सुबह 11:33 पर तक रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार पूरा दिन जो कि 11 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा, भद्रा समाप्त होने के बाद ही आपको यानी कि राखी बांधनी है और भद्रा समाप्त होगा 11 अगस्त 2022 को रात्रि 8:50 पर यह समाप्त हो जाएगा। भद्रा समाप्त होने के बाद ही राखी बांधना शुभ रहेगा। भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यह बेहद ही अशुभ माने जाते हैं। पहला कर्म होता है श्रावणी या रक्षाबंधन का महापर्व, भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए। भद्रा के दौरान किसी भी बहन को अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इससे भाई अथवा बहन के जीवन पर बुरा असर या संकट आते हैं, कोई भी यानी कि विपत्ति आ सकती है। तो भद्रा काल को छोड़ करके आप यानी कि राखी बांधें तो 11 अगस्त 2022 गुरुवार के दिन रात्र को 8:52 से आप देर रात्र तक राखी बांध सकती हैं। आप ध्यान से सुनिए, यानी कि 11 अगस्त को 8:52 के बाद आप राखी बांध सकती हैं देर रात तक, ये चलेगा। आप सभी ध्यान दें, इस पूरे समय को नोट कर लें, ये समय बेहद शुभ रहेगा। इसमें आप अपने भाई को राखी बांधें कलाई पर और फिर आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सबसे स्मरण करें। दोस्तों खास बात तो यह कि इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार रक्षाबंधन के दिन सर्वार सिद्धियोग, अमृत सिद्धियोग और भी कई सारे राजयोग और धनयोग का निर्वाण होने से अगर आप गाय को एक छोटी सी चीज़ खिला देते हैं तो रोड़पति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों क्योंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि भी है और पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, इसलिए आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप गाय को इस दिन कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। सबसे पहले तो आप नहा धोकर जब आप रक्षाबंधन वगैरह यानी कि आप तो शाम को बांधेंगे, आप दिन में भी गाय को खिला सकते हैं, किसी भी समय आप खिला सकते हैं दिन को। तो आप गाय को क्या करें कि थोड़ी सी आप यानी कि थोड़े से आटे ले लें और आप नहा धोकर आटा लेने के बाद शुद्ध जल से इसे गूंद लें और मरने के बाद फिर आप इसकी एक रोटी बना लें। रोटी में आप जो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को भोग लगाया है गुड़ घी का वो रख लें और थोड़ी सी इसमें हल्दी मिश्री रख लें। थोड़े से इसमें आप यानी कि आज के दिन खीर बना लें। खीर आज के दिन खाना और बनाना बेहद शुभ रहता है, इसीलिए रक्षाबंधन के दिन खीर ज़रूर बनाएं और खीर को भी इस रोटी में रख लें और ले जाकर आप गाय को खिला दें। दोस्तों गाय को खिलाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोलें, ऐसा करने से माता लक्ष्मी का स्वयं कृपा प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, चारों दिशाओं से धन के आगमन बढ़ेंगे, धन के स्रोत बढ़ेंगे, साथ ही धन संपत्ति का तेजी से इजाफा होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी भी लग जाएगी, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा। दोस्तों इस दिन आप हरी घास जरूर आप गाय को खिलाएं। हरी घास में एक रोटी रख लें, थोड़ा सा गुड़ घी रख लें और उसमें थोड़े से काले तिल रख के गाय को चुपचाप खिला दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। चारों दिशाओं से पैसे आने लग जाएंगे, रोड़पति भी बन जाएंगे करोड़पति, साथ ही आपके घर से गरीबी कोसों दूर चली जाएगी। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन इस दिन पूर्णिमा भी है, इसलिए गाय की सेवा जरूर करें। गाय को सबसे पहले रोटी जो आपके घर में बने वो जरूर आप गाय को खिलाएं, इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और चारों दिशाओं से धन की आगमन बढ़ेंगे, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो आपको रक्षाबंधन के दिन गाय के गौशाला में एक दीपक जलाना है, गाय की पूजा करना है और गाय को एक रोटी जरूर खिलाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो अगर आप कुछ खिलाएं या ना खिलाएं, आप गुड़ तिल और घी से बने लड्डू रोटी में रखकर जरूर आप खिला दें, ऐसा करने से भी आपके जीवन से दुख दरिद्रता दूर होगी, माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी, वैभव बना रहेगा, पूरे साल जमकर पैसा आएगा, अनेक जगहों से आपको धन का लाभ होगा। तो इस तरह से आप रक्षाबंधन के दिन इस महादुर्लभ शुभ संयोग पर बन रहे विशेष योग से लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जय माता दी, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।